हाँ तो बुढ़ापा आ रहा तो गैप तो रहेगा ही। हाँ बुढ़ापा तो यंग हुआ, यंग है बोलना ही नहीं, गाना कर दिया। तो देखियो दीदी, कार्ड दे दे दूसरी अपने किताब पीएस है पैक निकलवाया मैंने उससे बोल के पागल हो तो तुम निकलेगी बाहर पहले देख। तो भाई आज इन्होंने मेरी करा दी तगड़ी वाली बेइज्जती। इनका प्रैंक मैं ये दो दिन से फॉर्म में आ रखे ज्यादा, कोई नहीं इन्हें फॉर्म में रहन दो, मैं दिखाऊंगा इन्हें कैसे प्रैंक करते हैं। Hey guys, welcome back to our new vlog. So, हम लोग एक चैलेंज वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज हम दोबारा से उत्कार के ऊपर प्रैंक करने वाले हैं क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। तो समझ में आता है क्या हाल, तो मॉल में लेकर आ गए हैं, कार्ड ले और जो शॉपिंग करनी कर ले। तो मैं उसे अपना कार्ड दूंगी एंड जैसे ही वो जाएगा मॉल के अंदर, मतलब किसी भी स्टोर के अंदर जो भी उसे पसंद आए, मतलब उसे शूज चाहिए मेनली ना, तो बाटा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, तो देख लेगा जिसमें उसे जाना होगा। जहाँ ही उसको शूज पसंद आएंगे वहाँ जाके मैं क्या करती हूँ वो आप भी देती। चलो क्या थेरेपी कराने जाती है अपनी डेली? और वैसे ओवर एक्टिंग की दुकान है मेरी माँ, नहीं आप बोला डॉक्टर ने ये गैप रहेगा। हाँ हाँ तो बुढ़ापा आ रहा तो गैप तो रहेगा ही। हाँ बुढ़ापा तो यंग हुआ, यंग है यहाँ। वेदा इतना डॉन बन चुका है अपना भी घूम रहा है। ये देखो वेदा मम्मी कहाँ गई इसकी? हाँ अब फिटिंग आ रही है, पहले लूज होते थे। दीदी अपना काम ढूंढते सबसे पहले पहुँच गई बी यू नेचुरल में, वो देखो सोच रही हूँ मैं बाल कटाऊंगी, यही दिमाग में चल रहा था, लेकिन एकदम से यहाँ पर वही चीज हो गई जो मैं सोच रही थी। लगे हाथ बेटी के हाथ, माँ भी अपना काम कर लेगी पूरा, एक के साथ देख रही है। हम कुछ नहीं, मैं भी कटा रहा हूँ बाल, तो बची तू ही है। तो दीदी अपने के लिए शूज देखने आ गई बाटा पे। मैंने अपने के लिए देखे बट मैंने बोला ओ भाई बाटा, हम तुम्हें बोलते हैं टाटा, क्योंकि मेरे को स्टाइलिंग वाले थोड़े रनिंग में भी अच्छे वाले चाहिए, स्टाइल में थोड़ा लुक वाइज भी हो, बट नहीं मिल रहे हैं दीदी। ओहो आज दीदी आ जाओ, औकात में आ जाओ, मंगल बाजार से ले लेंगे दोनों 150-150 के चित्र, हम दोनों लेंगे 150। चल मेरी ले ले, पर्स ले ले अपने के लिए, लेने लगी चल ले 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 जा। चल कितने का देख लेते पहले, ओ माय गॉड नहीं ज़्यादा महंगा, आर्टिकल का नंबर है 2000 की तो है, ले सकते हैं पागल सरोज नहीं जाएंगे वहाँ, 500-500 डालते हैं, आ जाते चुपचाप से बाहर रख दे, जिस स्टाइल में उठाए ना वैसे भी वापस रख दे। सुन सारे बैग चेक कर ले, पैसे तो नहीं इनमें रख ले, वही वाला खेल। चलो बाटा वो करते हैं टाटा। ये देखो वेदा के साथ खेलता हाइड एंड सिक, ये भाई बोल रहा है अपने घर वालों को भगा रहा है हाइड एंड सिक। देखो कर तेरा बर्थडे है ना, हमने सोचा कि हाँ तो वही हम 3-4 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, मम्मी 100 रुपए लेके मॉल में आ रखी है, तो जो भी है 100 रुपए से कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो दोनों भाग रहे मामा से, मामा भांजा, ये देखो इनकी एक्साइटमेंट। ये देने वाली हूँ मैं इसे अपना कार्ड, तो ये उपकार ये ले और इससे अपने बर्थडे की शॉपिंग कर ले, जा जी ले अपनी जिंदगी, जो तुझे लेना है तू ले सकता है, पासवर्ड मैं टैप से कर दूंगी, बजट जितना तुझे लगे। हाँ शूज ले लो नाइकी के, हाँ ले ले, अभी पीछे तो गए थे कोई तो गया था स्टोर बेटा। तो ये देख भाग गया ये, अब मैं इसके साथ जो प्रैंक करूंगी ना इस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा, भागने देते हैं इसे भी फिलहाल, जा जी ले अपनी जिंदगी, खुश हो जा। बेटा लेकिन ये तो पूमा है, पहला तो हमने ये करा है कि इसे हम अंदर छोड़ के आ गए हैं और ये वहीं अंदर रह गया, और अब ये वहाँ अपने लिए शूज देख रहे हैं, हम इसे अंदर ही छोड़ कर आ गए, अब देखेगा जब आजू बाजू तो कोई नहीं दिखेगा इसे, बट इसके पास कार्ड है बट इसे उसका पिन भी नहीं पता है, तो देख के किस तरह से आग बबूला होकर ये हमारे पास आता है। क्या हुआ लिए नहीं थे आ गया था पसंद ले स्वाइप करा था पिन नहीं पता, चल अबे इसलिए तो दिया सुन
क्या तू अपने औकात में हो और जहाँ तेरी मार्केट है वहाँ चल। तेरी कसम उसे बोल के आया हूँ, भगवान कसम उसे बोल, मैं उसे बोल के सही में बोल के आ रखा हूँ उसे, मैं जैसे बोल कर रहा है वैसे बोल कर आ रहा है तुझे भैया माँ का सब दीदी बोलना ही नहीं किसने बोला किसने बोला तो बोल जा तो देखियो दीदी कार्ड दे दे दूसरे अपने कितना खुश हो अपने पैरों में जब खड़ा होगा तो दे ऐसे बोल साली कार्ड दे रही है ऐसे मैं खुश हो गया कि एक जूता ले लूंगा बेटा तो वही मैंने जूते लेने से मना नहीं करा मैंने ये बोला है सुन इतनी महंगी मुझसे सही में बोल के आ रहा हूँ कि आ रहा हूँ पिन लेके अब तो तूने लिए ऐसे मैं पैक निकलवाया मैंने उससे बोल के पागल हूँ तो तुम निकलेगी बाहर पहले देख लिया कि तो हम शूज लेने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं शूज तो दिला रहे हैं शूज या तेरी शॉपिंग से मना नहीं कर रहे शॉपिंग करवा रहे हैं बट तो भाई आज इन्होंने मेरी करा दी तकड़ी वाली बेइज्जती इनका प्रैंक मैं ये दो दिन से फॉर्म में आ रखे ज्यादा कोई नहीं इन्हें फॉर्म में रहन दो मैं दिखाऊंगा इन्हें कैसे प्रैंक करते हैं इन्होंने इतना लिटरली मैंने उस बंदे को ये बोला था भाई मैं पिन लेके आ रहा हूँ पहले तो उसने मेरा हुलिया देख के समझ गया होगा कि इसकी बस की तो है नहीं जूते लेने की क्योंकि मैं बन के भी ऐसे अजीब सा बन के गया था बट फिर उसने कार्ड देखा तो मे भी थोड़ा सा ट्रस्ट होगी हाँ ले लेगा तो मैंने उसे पूरा इवन उससे निकलवा भी दिए थे कि मैंने कहा भैया उसका UK 8 निकाल दो मेरा वही है क्योंकि पैर का साइज चलते रहे चलते रहे तो ये लड़ाई जाएगा रुक जा ठीक है तो फिर माना वो उसे पूरा निकलवा दिया मैंने बोला फिर मैं कार्ड स्वैप मैंने दीदी और को देखा दीदी और है ही नहीं भाई बदतमीज इतना है कि है ही नहीं बंदे भाई इतना अजीब लगा फिर मैंने कहा सर मैं उन्हें लेके आता हूँ उनको पिन मतलब पिन नहीं को पता मैंने कहा उन्हें बुला के लाता हूँ पिन स्वैप कार्ड स्वैप करेंगे आप इतने में पैक करो और भाई जरूरत तो देखो भाई 15,000 के जूते छाट के आ भी गया मतलब हमने कार्ड दिया इज्जत के बारे तो इसने छाटे भी कितने 15,000 के जूते पहली ही लिमिट मैंने पूछ ली थी तो पहली लिमिट पूछ रहे थे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू तो कुछ भी छाट लेगा अरे तो 15,000 में घर के सारे बिल भर जाते राशन आ जाता इसने जूते छाटे भाई तो कितने आराम हो साला उस टाइम तो तुमने छोड़े मुर्रे अब हम जा रहे हैं घर तो मैंने दीदी को प्रो ड्राइवर बना दिया है अब ये पूरा रास्ता खुद ही लेके जाएगी ग्रेटर नोएडा से इंदिरापुरम टू ग्रेटर नोएडा चलिए ये आ गए हम हाईवे में मेन हाईवे में चलो हम चलते हैं अब दीदी चलाएगी तब हम गाने लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा ट्रैवल हो जाएगा नहीं तो यहाँ देखो अपना प्रो राइडर आ चुका है हाईवे में ये देखो अब यहाँ सीधा हम ऋषिकेश भी जाएंगे जय माता दी अब हम ऋषिकेश भी जाएंगे तो सीधा मेरे को लेके जा सकते हैं क्योंकि मम्मी हाईवे में चलाना सीख चुकी है वेदा बहुत खुश है कि मम्मी गाड़ी चला रही है तो ये क्लैप 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 तो वेदा खुश है कि अब मम्मी गाड़ी चलाने लग गई है तो हम सीधा जाएंगे मम्मी मतलब मेरे को ऋषिकेश वगैरह सब जगह घुमाएगी अब तो इसलिए वो ज्यादा खुश है चल दीदी अब खेच दे 50 तो लगाई दे तू गाड़ी 80-100-200 तो पहुंचाई दे 100-150 तो लगाई दे आज गाड़ी की तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए घर बहुत जान हमारे क्या तो फाइनली हम लोग सुरक्षित और जिंदा घर पहुंच गए हैं और हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी भाई है। मैंने इतने एहसान फरामोश लोग कहीं नहीं देखे इस दुनिया में इतने अच्छे से इन्हें लेकर आई हूँ इतनी सेफली इतने अच्छे से मैंने गाड़ी चलाई मतलब मैं खुद इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है घर आके और ये मेरी बारी में कैसी कैसी मतलब गाइस ने बहुत हगा मजा आ गया इसके हगने को अब मैंने ये सोचा था कि मतलब कार की ज्यादा जरूरत तब पड़ेगी नहीं मैं खुद चलाने लग गई हूँ तो जान गए मैं अकेले राइड्स पे जाया करेंगे चलो थैंक यू सो मच लाइक करें वीडियो को कमेंट करें अपना प्यार बनाए रखें तो तब मिलते हैं अगले ब्लॉग और आगे देखना मेरी।